और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं ऑपोजिट वर्टेक्स से वो हमें कितने दे रखे हैं एट मीटर एंड थर्टीन मीटर ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइट देखी कि एट मीटर है और इस वर्टेक्स से हाइट देखी तो वो थर्टीन मीटर है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड हमें इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है तो इजी करने के लिए नेमिंग कर देते हैं तो ये आ गया ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट एंड डी पॉइंट और ये आ गया ई e पॉइंट और एफ पॉइंट राइट अब अगर आप देखेंगे इस फिगर में इस क्वारिलेटर में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल राइट right? दो ट्राइंगल बन रहे हैं क्योंकि क्वारिलेटर का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हम इसको ट्राइंगल के एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे तो हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं राइट right? तो इसलिए हमने नेमिंग कर दिया है ईजी करने के लिए तो सबसे पहले पहला ट्रायंगल ले लेते हैं कौन सा ए सी डी इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी डी में हमें ए सी कितनी दे रखी है ट्वेंटी फोर मीटर और हमें डी ई e कितनी दे रखी है जो कि हाइट है थर्टीन मीटर राइट अब हमें एरिया निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट अब बेस कितना है देखिए इस ट्राइंगल का ये क्या है बेस है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेस की जगह और हाइट हमारी ये वाली है तो थर्टीन हमारी हाइट हो गई राइट अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे टू वन जो टू टू ट्वेल्व ज ट्वेंटी फोर अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ट्वेल्व थ्री ज़ ट्वेल्व थ्री ज़ थर्टी सिक्स सिक्स नीचे आया थ्री कैरी आ गया ट्वेल्व वन ज ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन तो ये कितना आ गया 156 फिफ्टी सिक्स मीटर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की इसलिए मीटर स्क्वायर तो अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया पता चल गया अब हम दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो इन ट्राएंगल एबीसी एबीसी ट्राइंगल में हमें ए सी फिर से ए सी तो सेम ही है 24 मीटर और हमारी इस ट्राइंगल की हाइट जैसे कहते हैं बी एफ हमने नेमिंग कर ली थी इजी करने के लिए तो वो कितना दे रखा है एट मीटर अब फिर से हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो कितना है हाफ इनटू टू बेस इनटू हाइट तो हाफ क्या गया बेस हमारा ए सी है जो कि ट्वेंटी फोर है और हाइट हमारी एट है राइट right? अब कैंसिल कर देते हैं जो कटता है टू वन जो टू टू ट्वेल्व ज ट्वेंटी फोर और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया ट्वेल्व एट जा नाइन्टी सिक्स और क्योंकि यूनिट मीटर थी और एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है तो मीटर स्क्वायर अब हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैसे निकालेंगे दोनों के एरिया ऐड कर लेंगे दोनों ट्राइंगल्स के तो कौन कौन से थे ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी राइट तो कितना कितना आ गया अब देखिए ए बी सी ट्राइंगल का एरिया था 96 मीटर स्क्वायर और हमारा ए सी डी ट्राइंगल का एरिया कितना था देखिए 156 फिफ्टी सिक्स मीटर स्क्वायर राइट तो यहाँ पे लिख देंगे हम 156 और क्योंकि यूनिट मीटर स्क्वायर थी तो होल की यूनिट मीटर स्क्वायर तो ये कितना आ गया 6 प्लस सिक्स इज ट्वेल्व कैरी वन फिफ्टीन कैरी वन एंड टू और मीटर स्क्वायर तो हमारा इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज द डाइग्नल ऑफ अ रॉम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया हमें रॉम्बस के डाइगनल्स दे रखे हैं देखिए ये रॉम्बस है इस रॉम्बस के दोनों डाइग्नल्स दे रखे हैं ये दोनों डाइग्नल्स हैं राम्बस के एक हमें दे रखा है सेवन सेंटीमीटर का मान लीजिए ये है हमारा सेवन पॉइंट फाइव का पूरा और दूसरा है हमारा 12 सेंटीमीटर का ट्वेल्व सेंटीमीटर का तो अब हमें इस रॉम्बस का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए हमें डायगनल्स दे रखी हैं तो मैं डायगनल वन सेवन पॉइंट फाइव की लिख रही हूं और डायगनल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर की राइट right? और एरिया क्या होता है रॉम्बस का एरिया ऑफ रॉम्बस जब हमें डायगनल्स दी हुई होती हैं तो एरिया होता है रॉम्बस का हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू हाफ कर देते हैं दोनों डायगनल्स के मल्टीप्लिकेशन को तो हाफ इंटू सेवन पॉइंट फाइव दोनों डाइग्नल लिख दी इन टू ट्वेल्व तो ये कितना आ जाएगा देखिए जो कटता है काट देंगे टू सिक्स ज ट्वेल्व अब मल्टीप्लाई करके कितना आ गया देखिए सिक्स फाइव 30 थर्टी थ्री कैरी सिक्स सेवन ज फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस थ्री इज फोर्टी फाइव और क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले क्या लगाएगा देंगे पॉइंट और क्योंकि एरिए की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये कितना आ गया फोर्टी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर